आपका ध्यान किधर है? चने पॉपकॉर्न वाला इधर है। सो गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। सो अभी सुबह का 9 बज गया है और आज 14 तारीख है। हम लोग हैं हिमाचल प्रदेश के बागासरा में, जो कि कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। हम कल आ गए थे, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा कि कल हम कैसे आए यहाँ तक और कल हमने क्या किया, उसके लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो अभी फ़िलहाल हम उठ के थोड़ा सा हमने योगा और मेडिटेशन एंड ऑल किया, उसके बाद अभी हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए। और आज का दिन काफ़ी अमेजिंग होने वाला है, बिकॉज आज हम थोड़ा वाटरफॉल भी जाने वाले हैं। तो गाइस, आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बतानी थी। यहाँ पे अगर आप आना चाहते हो, प्लान कर रहे हो, तो यहाँ पे आने के दो तरीके हैं। एक तो आप अपना गूगल मैप में डाल दीजिए बागासरा फील्ड करके आता है, तो डायरेक्टली आपको यहीं पहुँचा देगा सीधे। और दूसरा, अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन से आना चाहते हो, तो आपको पहले रामपुर आना पड़ेगा। उसके लिए आपको चंडीगढ़ से बस मिल जाएगी या फिर शिमला से बस मिल जाएगी, और उसके बाद रामपुर से जो है बागासरा के लिए बस चलती है, बट वो लिमिटेड होती हैं, कुछ शायद 3-4 बजे आसपास चलती है। वो आपको थोड़ा सा पता करना पड़ेगा वहाँ पे जाके पहले ही। सो गाइस, ऑल सेट फॉर द ट्रैक। तो अभी हम एक छोटा सा ट्रैक करने वाले हैं, एक वाटरफॉल है यहाँ पे विलेज का जो मैंने आपको बताया था, वहाँ जाएंगे। कैप्टन कैप्टन सुनील नीरा भाई। सो गाइस, ये कैप्टन है हमारा, ये लीड करते हुए चल रहा है ट्रैक को। सो गाइस, हमारे साथ सर आए हुए हैं हमें गाइड करने के लिए। सर, क्या नाम है आपको? शिवंग दोरजे। आप लोग? हाँ, बेसिकली आई एम फ्रॉम किन्नौर। अच्छा, बट वी हैड अ कैंप साइट हियर इन बागासरा, पैरासोल कैंप्स। नाइस। सो अभी यहाँ से कितना है वाटरफॉल जहाँ हम जा रहे हैं? अभी हम जाएंगे, इट विल टेक हार्डली मोर देन हाफ एन आवर। अच्छा, आप ले लो 1.5 किलोमीटर हैं। अच्छा, तो हम मजे से जाएंगे। और अच्छी बात यह है कि आप लोग वाटरफॉल में नहा भी सकते हो। हाँ, बिल्कुल। अगर आपके उसमें हिम्मत है तो ठंडे पानी में नहाने की, बिकॉज वो डायरेक्टली वहाँ से ग्लेशियर से आता है। राइट, सो लेट्स गो, लेट्स सी। ये वो इसे दातून भी करते हैं, यहाँ पे कुछ बच्चे कर रहे थे मॉर्निंग में। वो डिफरेंट चीज होती है, हमारे यहाँ तो नीम होता है। मैंने उनसे पूछा कि आप नीम यूज कर रहे हो, कह रहे नहीं यहाँ पे दूसरा कोई चीज है। सो गाइस, ये है विटामिन सी का स्रोत। तो गाइस, थोड़ा सा और ऊपर चलने के बाद हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो गई है। तो अभी फिलहाल कैमरा मेरा पैक कर दिया है। आई थिंक ज़्यादा तेज़ तो नहीं आएगी, बिकॉज धूप भी बहुत तेज़ है, तो वेदर अनप्रडिक्टेबल है बिल्कुल। थोड़ा सा ऊपर जाओ, बारिश हो जा रही है, थोड़ा सा ऊपर जाओ, आई एम नॉट श्योर ऊपर क्या होने वाला है वाटरफॉल के पास, बिकॉज हमारा प्लान था कि थोड़ा वहाँ पर नहाएंगे भी, बट अगर रेनी रहा तो फिर मुश्किल हो जाएगा। सो गाइज, फाइनली वी हैव रीच। ज़्यादा नहीं, मतलब 1 घंटा लगा होगा, क्योंकि हम आराम आराम से बात करते करते और बाकी लोगों के लिए रुकते हुए आ रहे थे। लगता है काफ़ी लोग हैं यहाँ पे, और इट्स अमेजिंग सीरियसली। फाइनली वी हैव रीच। जैसा कि आप पीछे देखोगे, क्या अमेजिंग है ना यार, वहाँ पे एक्चुअली पानी आ रहा है उड़ के, तो मैं थोड़ा सा दूर आ गया हूँ। तो गाइस, वाटरफॉल में एंजॉय करने के बाद आपने फुटेजेस देखी होंगी, कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मैंने यहाँ बहुत सारे अपने नए दोस्त बनाए हैं। भाई, क्या नाम है अपना? नाम बता दो फटाफट फटाफट। अबू नीरज। और ये सारे यहाँ के लोकल हैं, और बाकी आज ये मेला है, इनके साथ ही मैं जाने वाला हूँ। 12 बजे से स्टार्ट होगा ना? हाँ, तो अभी चलते हैं यहाँ से सीधे मेले की तरफ। और लाइक शेयर सब्सक्राइब।
आजा भाई तुम यार तुम क्यों रो रहे हो? ये शर्मीला भाई हमारा, ये शर्मीला भाई, ये शर्मीला भाई, ये शर्मीला भाई, चलो भाई चलो, चलो चलो। दो बजने वाला है अप्रोक्स और हम लोग टेंपल की तरफ जा रहे हैं। वहाँ पे अभी जो सेरेमनी है वो स्टार्ट होने वाली है और एज यू कैन सी मेला एकदम चहल पहल होने लगी है, हैपनिंग होने लगा है, सारी दुकानें वगैरह खुल गई हैं। तो पहले टेंपल जाते हैं और वहाँ देखते हैं जो कल्चर है यहाँ का वो आपको देखने को मिलने वाला है। उसके फिर थोड़ा लोकल ट्राई करेंगे, जो मेले में दुकानें वगैरह लगी हैं कुछ खाएंगे, जलेबी वगैरह यहाँ का लोकल फूड अगर खाने को मिलता है तो वो भी ट्राई करेंगे, है ना। सो स्टे ट्यून्ड। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका?